हर महादेव। इस ऑडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुंडली कैसे जनरेट करना है। सबसे पहले देखिए गूगल प्ले स्टोर से, हर मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होता है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है, ये प्ले स्टोर है। इसमें आपको हिंदू कैलेंडर टाइप करना है। क्या टाइप करोगे? हिंदू कैलेंडर टाइप करना है। देख रहे हो, हिंदू कैलेंडर, ये वाला मेरे में डाउनलोड है। आपको इसको डाउनलोड करोगे, इसको डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद ओपन करना है ना, ओपन करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि मुझे सब आदमी को समझाना पड़ता है कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से कैसे कुंडली जनरेट करते हैं। अब देखो कि इसमें हम क्या करना है, ये कुंडली दिखा रहा है, ये ऑप्शन देखो, तो मैं ये ऑप्शन को क्लिक करूँगा। इसमें देखो यहाँ पर डेट दिया हुआ है ऊपर में, उसके बाद टाइम दिया हुआ है, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं जैसा अपना होगा। मान लो किसी का जन्म, मान लो कि 1 तारीख को हुआ, ठीक है, तो 1 तारीख हो गया। अब यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1 2, मान लो 96, तो ये अपना डेट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपना चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये ओके कर दिया। अब टाइम को चेंज करेंगे, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एएम कर देता हूँ, है ना, एएम। मान लो यहाँ पर मैं इसको बता दिया 9 बजे, एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले ये ले लेंगे, पहले ये 9 बज गया। अब इसके बाद मान लो कि इसको करना है 9:35 पर जन्म हुआ है मेरा, तो इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसको ले आएंगे, 35 हो गया, ठीक है। अब इसको हम ओके कर देंगे, मेरा टाइम कंफर्म हो गया, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो गया, टाइम कंफर्म हो गया। अब इसमें हम करेंगे, इसमें अपना जो प्लेस है उसको कंफर्म करेंगे, है ना, तो उसके लिए इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एरो बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लोकेशन होगा, लोकेशन मान लो कि आपका लोकेशन जो भी है, आप उसको सिटी हो सकते हो। मान लो कि मैं बिहार से हूँ, तो मैं पटना लिख देता हूँ ना, PATNA, पटना इंडिया। तो जो भी लोकेशन है, ये यहाँ पर लेटिट्यूड, इसका लॉन्गिट्यूड आ जाता है, इसको हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब कुछ लिख दिया, अब ये कुंडली बन गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऑप्शन है ओपन कुंडली, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन कुंडली, और इसको सेव भी कर सकते हैं हम सेव कुंडली से, ठीक है। तो इसको देखा जाए, अब ये इसमें सारा डिटेल्स आ गया है कि इस, अब इसको हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर डिटेल्स लिखा है, पटना, इतना तारीख को, इतना टाइम में हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, ये सब है। इसका ज़रूरत मुझे नहीं है, आप मुझे सेंड करना ये कुंडली, इसको बोलते हैं लगन कुंडली, ठीक है, इसको बोलते हैं लगन कुंडली। आप स्क्रीनशॉट भेजना, स्क्रीनशॉट इसका भेजना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लगन कुंडली। जो 12 घर होता है ना, 12 घर, इसमें कौन सा ग्रह कौन सा घर में है, ये मुझे देखता हूँ मैं, ठीक है, ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा दशा चल रहा है वो मैं बताता हूँ, कौन सा दशा यानी कि कौन सा समय आपका चल रहा है। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है विश्वमोत्र महादशा, कौन सा समय अभी चल रहा है, यानी कि मान लो कि अभी 2020 के आसपास है ना हम लोग, तो देखो तो कौन सा दशा चल रहा है, यानी कि देखो ये यहाँ पे इसमें इस केस के आधार पर राहु का महादशा चल रहा है, महादशा। और अंतरदशा यानी कि किसका समय चल रहा है, यानी कि हम चलेंगे तो यहाँ पर राहु में गुरु 19 तक है, और उसके बाद राहु में शनि 2022 तक है, यानी कि राहु में गुरु ख़त्म हो गया है, राहु में गुरु जो है वो 17/6/2019 तक है,
और ये राहु में शनि जो है वो 23/4/2022 तक क्या लिख रहा है यहाँ पर, द टाइम नेक्स्ट टू महादशा एंड अंतरदशा आर दियर कॉरस्पॉन्डिंग इन टाइम, ये ख़त्म हो गया, ये जो टाइम दिया हुआ है ये समझ लो कि ख़त्म हो गया। तो अभी इसका समय इस कुंडली के अनुसार क्या दशा चल रहा होगा, आप समझिए कि ये समय ख़त्म हो गया, यानी राहु में गुरु ख़त्म हो गया 19 में, 17/6/2019 में ये ख़त्म हो गया इसका समय। तो अभी समय चल रहा है राहु में शनि इस कुंडली के अनुसार 23/4/2022 तक। तो इस प्रकार आपको इसका भी स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना है जिसका समय चल रहा है और ये लगन कुंडली है, इसको भेजना है, बस इतना ही भेजना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पर 7632098084, मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ 7632098084, ये लगन कुंडली हुआ। अब वो आपका कौन सा समय चल रहा है ये अब मेरे व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो मैं आपको हेल्प बहुत जल्द करूँगा, ठीक है। ये काम आपको करना है और इसको संभाल कर रखना है क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। हर हर महादेव, जय मारी शक्ति आदेश।